गोवर्धन गांव में लाखों की चोरी, घर की पुताई कर 2:30 बजे सो गया था परिवार। 40 मिनट के भीतर चोरों ने दी वारदात को अंजाम। पोहरे अनुविभाग के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गृह स्वामी की माने तो उसके घर से 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। चोरों ने चोरी की वारदात को महज 40 मिनट के भीतर ही अंजाम दिया है। गोवर्धन थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। 40 मिनट के भीतर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गोवर्धन गांव में रहने वाले सुमित शर्मा ने बताया कि घर में पुताई का काम चल रहा था। रात 2:30 बजे पुताई का काम खत्म होते ही सभी लोग सो गए थे। रात 3:20 पर उन्हें घर में चोरी होने का पता चला था। चोरों ने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था और जिस कमरे में सामान रखा था उसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोर घर से सोने चांदी के 2 हार, 4 चूड़ी, 6 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 1 चेन, 3 चांदी पायल सहित चांदी के अन्य जेवरात चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा तुम्हारा? स्वाति शर्मा। बेटा जी, आपकी चोरी कैसे, क्या? हम लोग 2 बजे पुताई से फ्री हुए, फिर उसके बाद हम लोग हाथ मुँह धो के सोने के लिए जा रहे थे, जिससे मेरी भाभी की बच्ची जाग रही थी, रो रही थी, तो मैं उसे खिलाने चली गई। फिर उसके बाद आके मैं सो गई। कम से कम मैंने 15-20 मिनट उसको खिलाया होगा। फिर उसके बाद मैं आके सो गई। तो आप कहाँ सो रहे थे बेटा? कमरे में सो रहे थे, उसी में जो चोरी हुई है उसमें। हाँ, उसी कमरे में। और कौन सो रहा था? दादी सो रही थी। दादी। तो जब आपकी चोरी हो रही थी तो आपको बिल्कुल पता नहीं? बिल्कुल पता नहीं चला। कितनी चोरी हो गई बेटा? 15 लाख तक की समथिंग हो गई होगी। क्या क्या सामान चला गया? 2 हार थे, 4 चूड़ी थी, 6 अंगूठी थी, 2 मंगलसूत्र थे, हाँ, 1 चेन थी, हाँ, 2-3 जोड़ी पायल थी, और बिछिया वगैरह तो बहुत सारे थे, हाँ, और सेट के साथ इयररिंग्स भी थे। तो कुछ बचा नहीं है घर में? नहीं, पूरे को ले गए चोर। हाँ। आपका क्या नाम है? लोकेन सिंह तोमर। तोमर साहब, ये बताइए, आपके गोवर्धन क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में अब तक कितनी चोरी हो गई और क्या क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? 8 से 10 दिन में 10-12 चोरी हो चुकी है, और अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई अभी दिखी नहीं है। तो पुलिस एक्शन ले रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा और क्या कर रही है। एक तो पुराने स्टाफ बैठा हुआ है वहाँ पे, इनके मिली जुली भगत है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कोई चोरी पकड़ लिया नहीं। आपके घर में भी चोरी हुई है ना? हाँ, मेरे घर में भी चोरी हुई थी। मैं बाहर सो रहा था, मेरी मिसेज अंदर सो रही थी, पीछे से दीवार फाड़ के चोर घुसे अंदर और मेरी कमरे की आगे से खुंदी लगा दी। और इतने में जैसे चोरी का हाथ साफ करने को जैसे ताड़ा तोड़ने को हुए तो मेरी मिसेज की नींद खुल गई। मिसेज ने जोर से हवाएं लगाई, चोर चोर चोर, इतने चोर भाग। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। सुमित जी, ये बताओ, आपकी ये चोरी हुई है कैसे, क्या घटना हुई है, कितने की चोरी हो गई आपकी? जी, रात में 2:30 बजे तो पोत के फ्री हुए थे पुताई उताई करके, उसके बाद में हाथ मुँह धो के सो गए। उसके बाद से पता ही नहीं चला कब आए, करीबन 3:15-3:20 तक पता चल गया था कि चोरी हो चुकी है। इतने में उठे तो ऐसे ही गेट वेट बंदे मिले थे, कुंडी लगी अंदर वाले गेट हमारे खुले पड़े थे। आपको पता कैसे चला कि हमारी चोरी हो गई? अंदर ये कुंडी लगी थी तो मैसेज ने फ़ोन किया, बोले को किसी ने गेट बंद कर दिए, वो अपने अंदर वाले गेट खोले, तो उससे पता चला कि फिर उठ के आए तो फिर वो गेट खोले, वो बाहर वाले खुले मिले थे गेट। कितनी देर बाद पता चल गया? जी, चल गया था मुझे करीबन 2:00-3:22 पर। अच्छा, चोरी हो गई? चोरी हो। तो जब चोर आए तो आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ा कौन आया क्या नहीं? कुछ पता नहीं चला।